सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइज, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट लेबर रिफॉर्म्स बिल 2020 जो कि पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं रिसेंटली। तीन कोड्स ऐसे हैं लेबर रिफॉर्म कोड्स जिनको पास कर दिया गया है बाय द पार्लियामेंट। एंड सिंस टुडे इज फ्राइडे, सो आई विल ऑल्सो ब्रिंग टू यू क्विज इन द फॉर्म ऑफ 5 questions। एंड गाइज, टुडे इज 25th September, विच इज द अंत्योदय दिवस, दैट इज द बर्थडे ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। Okay, so let's begin with the session, guys. But before we begin, do subscribe to our channel and press the bell icon. And also, you can join our Telegram group, jiska link aapko description mein diya hua hai. Aur is Telegram group pe kafi sari quiz hoti hain, so you can enjoy the quizzes. Okay. So now these are the two topics that we are going to discuss today. So what are these two topics? Labor Reforms Bill 2020 we'll discuss, and then there is one hackathon that was organized by Indian Council of Agricultural Research. कृतज्ञ, ओके, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट हैकेथॉन, ओके। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द लेबर रिफॉर्म्स बिल 2020। ये लेबर रिफॉर्म्स बिल क्या था 2020 का, इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज, आप सबको याद होगा दैट इन द ईयर 2019 गवर्नमेंट ने चार लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए थे। कौन कौन से चार कोड्स थे? एक तो था वेजेस का, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का, एक सोशल सिक्योरिटी का, और एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का। ओके, सो ये चार कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी सेंट्रल लेबर लॉज हैं उन सभी को कंसोलिडेट करके हम इन चार कोड्स में मर्ज कर देंगे, हम इन चार कोड्स में कंसोलिडेट कर देंगे। ओके, बट एट इन द ईयर 2019 केवल एक कोड ऐसा था, यानी कि वेजेस वाला, जो कोड ऑफ वेजेस था दैट वॉज पास्ड। लेकिन जो बाकी तीन कोड्स थे, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये तीनों के तीनों कोड्स को, तीनों के तीनों बिल्स को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर है ऑफ द पार्लियामेंट, उसके पास भेजा गया फॉर द रिव्यू। और अब 2020 में उस स्टैंडिंग कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन के बाद, कुछ सजेशन के बाद, इस बिल को दोबारा से पास कर दिया गया है, तीनों कोड्स को पास कर दिया गया है। सो अब चारों कोड्स ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स बिल पास हो चुके हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। So, yes, so first of all, we'll discuss the Industrial Relations Code Bill 2020. ये बिल्कुल सिमिलर है 2019 का, बस जो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, that we will discuss. Okay, so first of all, there is a change. Threshold for the requirement of standing order has been raised to over 300 workers. So, एक standing order होता है जो कि industrial establishments को बनाना पड़ता है। ये standing order क्या होता है? It is basically order by which working conditions and rules of conduct for workmen is defined. Basically, कि वर्क जो लेबर्स होंगे उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या मैक्सिमम पे स्केल होगी, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, उनको किस तरीके से निकाला जा सकेगा, उनके जो भी काम करने के तरीके होंगे, वो सभी के सभी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर डिफाइंड होता है। सो अब गवर्नमेंट ने ये बोला है थ्रू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल कि स्टैंडिंग ऑर्डर उसी एस्टैब्लिशमेंट को बनाना पड़ेगा जहां पे 300 से ज्यादा वर्कर या 300 वर्कर्स काम करते हो। सो एटलीस्ट 300 वर्कर्स होने चाहिए उस एस्टैब्लिशमेंट में, देन ओनली स्टैंडिंग ऑर्डर हैज टू बी मेड। ओके, सो इससे पहले ये जो लिमिट थी दैट वाज 100 वर्कर्स एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। ऑलराइट, सो दिस इज वन चेंज दैट हैज बीन डन इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। एंड नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो न्यू कंडीशन फॉर कैरिंग आउट अ लीगल स्ट्राइक। अब पहले क्या होता था कि लीगल स्ट्राइक जो है वो 14 दिन के एडवांस नोटिस पे की जा सकती थी, अभी भी 14 दिन के एडवांस नोटिस का ही प्रोविजन है, बट यहाँ पे एक प्रोविजन और कर दिया गया है जिसमें ये है कंसीलिएशन का, इसमें एक प्रोविजन डाला गया है जिसके वजह से जो लीगल का, ये लीगल स्ट्राइक का जो नोटिस पीरियड है दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 days। जो स्ट्राइक का नोटिस पीरियड है उसको कितना एक्सटेंड किया जा सकेगा? 60 days का। अब इसकी वजह से होगा ये कि जो लेबर्स की स्ट्राइक है, स्ट्राइक करने की जो एबिलिटी है वो कमजोर पड़ जाएगी, लेबर स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब जो लीगल स्ट्राइक का नोटिस पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 60 डेज तक, और ड्यूरिंग दैट नोटिस पीरियड जो लेबर्स है वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। ओके, अदर देन दिस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट एनी न्यू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कोड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब मान लो कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से इस कोड में से, इस बिल में से बाहर निकालना है, तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो ये काम कर सकती है। एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का गाइस एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है दैट इज वेरी टेक्निकल, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। एंड देन देयर विल बी अ रीस्किलिंग फंड।
एक रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा फॉर रिट्रेंच्ड वर्कर्स। रिट्रेंच्ड वर्कर्स का मतलब जिन वर्कर्स को निकाल दिया गया है, एंड क्यों बनाया जाएगा, टू मेक देम एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट अगेन, ताकि वो दोबारा से अपनी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर सके, उनको किसी कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ओके, एंड देर विल बी वन नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट। एक डिस्प्यूट बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ताकि वहां पे जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस कोड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट कोड। ओके, सो विच इज दिस सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020। ओके, द नेक्स्ट कोड बिल इज वॉट, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020। So it states that the central government may by notification apply the code to any establishment. अब इसमें क्या है कि social security code bill कौन कौन से establishment पे लगेगा, उसके लिए कुछ minimum कुछ minimum criteria रखे गए हैं, लेकिन इसमें भी ये बोला गया है कि central government अगर चाहे तो by notification किसी भी establishment को उस code के अंतर्गत include कर सकती है। Okay? And there will be one social security funds for unorganized workers, gig workers and platform workers. So unorganized workers का इस मतलब हम सबको पता है। So gig workers क्या होते हैं, I hope आपको पता होगा। Gig workers का मतलब होता है जो कि independent contractual workers होते हैं, मतलब जो कि employee employer relation के basis पे काम नहीं करते। Okay? And platform workers कौन से होते हैं, जो कि online जितने भी platforms होते हैं उसके through जब किसी client को, अगर let us see, लेट अस सपोज कि मैं एक प्लेटफॉर्म वर्कर हूँ, तो मैंने ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ढूंढा, ऑनलाइन कोई क्लाइंट ढूंढा, ऑनलाइन कोई कस्टमर ढूंढा और उसके उसको अपना सर्विस प्रोवाइड कराया, तो आई विल बी कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म वर्कर। ओके, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करी जा सके। एंड ग्रेचुटी पीरियड जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 5 years टू 3 years फॉर द जर्नलिस्ट ओनली। बाकी सभी के लिए अभी भी ग्रेचुटी पीरियड कितना है, 5 years का है, बट फॉर द जर्नलिस्ट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 years फ्रॉम द अर्लियर 5 years। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2020। ओके, सो इसमें एक फैक्ट्री की डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि फैक्ट्री को डिफाइन हम कैसे करेंगे। सो पहले ये जो लिमिट्स थी ये 10 और 20 की थी, बट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 20 एंड 40। So, अगर कोई ऐसा प्रमाइसिस है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट यूजिंग द पावर, देन मिनिमम वहां पे कितने वर्कर्स होने चाहिए, 20 वर्कर्स होने चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फैक्ट्री। और इसके अलावा अगर विदाउट यूजिंग पावर वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करता है, देन देर शुड बी मिनिमम 40 वर्कर्स या उससे ज्यादा वर्कर्स होंगे तभी वो फैक्ट्री की कैटेगरी में आएगा। एंड अदर देन दिस, वो सभी एस्टेब्लिशमेंट जहां पे हजार्डस एक्टिविटी अगर होती है, रिगार्डलेस द नंबर ऑफ द वर्कर्स, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वहां पे कोई हजार्डस एक्टिविटी हो रही है देन इट विल बी रिगार्डेड एज अ फैक्ट्री। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। अब यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जिक्र किया गया पहली बार। सो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जिक्र इसलिए किया गया बिकॉज हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की जो डेफिनेशन है उसको इंक्लूड किया गया है। So any worker who has come from one state to another and he is earning rupees 18,000 per month. अगर कोई worker है जो अपने आप से एक state से दूसरे state में जाता है और 18,000 रुपए per month कमा रहा है, then he will be under the definition of interstate migrant workers, right? And working hours fixed कर दी गई है at 8 hours per day. Remember this is very important. ये direct question आपसे exam में पूछा जा सकता है। And women will be entitled to be employed in all the establishment for all types of work under the bill. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर women है तो वो hazardous activity में involved नहीं हो सकती, वो हो सकती है, but yes, with some restrictions, with some proper equipments. Proper equipments होंगे जो कि women friendly होंगे, then only that woman can be involved in the hazardous activities. It provides for the establishment of social security fund for the welfare of unorganized workers. So जो दोनों bill हैं, दोनों courts हैं, एक तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला और दूसरा जो सोशल सिक्योरिटी वाला, उन दोनों में बात की गई है सोशल सिक्योरिटी फंड्स की। ठीक है, वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, यहाँ पे केवल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बात की गई है। राइट, सो गाइस दिस इज अबाउट द 3 कोड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसर्न्स, की कंसर्न्स क्या क्या है। सो सबसे पहली बात तो यह है कि जो वो लिमिट बढ़ा के 300 वर्कर्स की कर दी गई है, तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जहां पे 300 वर्कर्स से कम काम करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा लेबर्स के लिए। व्हाई? बिकॉज 300 से कम अगर होंगे तो जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो कुछ भी मनमानी करेंगे, कैसे भी करके निकाल देंगे कोई रीजन दिए बिना। राइट,
So this is a cause of concern for labor. So rights of workers working in establishment with less than 300 workers will be suppressed. The ability of workers to go on a strike has become difficult. वो difficult हो गया है ability to go on a strike, because जो strike का notice period है वो 60 दिन तक के लिए extend किया जा सकता है, and you know 60 दिन तक कोई भी aggression किसी भी person के अंदर नहीं रह सकता कि वो strike पे जाए. 60 दिन तक वो वैसे ही परेशान हो जाएगा and he'll go back to the work. एंड गवर्नमेंट हैज दी पावर टू मॉडिफाई और रिजेक्ट दी अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय द ट्रिब्यूनल. अब इसमें जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे वो जो भी अवार्ड देंगे, जो भी अपना फैसला सुनाएंगे, गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, या उसको रिजेक्ट भी कर सकती है आउटराइटली. ऑलराइट. और जो बेनिफिट्स है सच एज पेंशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये उन एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिल पाएगा जो कि मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि फैक्ट्री की क्राइटेरिया में वही आएंगे जहां पे 20 या 40 वर्कर्स होंगे. सो अगर कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे ये मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है, देन द वर्कर्स देन द लेबर्स ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट बी एबल टू गेट एनी बेनिफिट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ऑलराइट. सो दीज आर सम कंसर्न्स गाइस दैट हैज बीन रेज्ड बाय द लेबर्स, एंड नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस. सो आई होप गाइस आपको ये सारे जो लेबर कोड्स हैं ये क्लियर हैं, देयर आर नो डाउट्स. सिंस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. I hope the questions are visible to you. So, which of the following is not one of the labor codes that have been passed by the parliament in 2020? So, remember, जो code of wages bill था, that was passed in 2019. बाकी जो तीनों हैं, that are passed recently in the year 2020. So, यहाँ पे जो correct answer होगा हमारा, that will be option A, wages. Wages code bill 2019 में ही pass कर दिया गया था. Alright. One second. Yes. Under the Industrial Relation Code Bill 2020, up to how many days the strike notice period can be extended? जो कि लेबर्स के लिए काफी ज्यादा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है कि अब जो स्ट्राइक पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 60 डेज. 60 दिन तक के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा. ओके. सो ऑप्शन डी 60 डेज विल बी द करेक्ट आंसर हियर. एंड द क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. So we have to find the correct statement with respect to the Social Security Code Bill 2020. Social Security Code Bill 2020 के respect में we have to find the correct statement. So Social Security funds for unorganized worker, gig workers and platform workers will be established. This is absolutely correct. National Social Security Board for gig workers and platform workers will be established. This is also correct. And gratuity period has been reduced from 5 years to 3 years for the working journalist. This is also correct, guys. So therefore the correct answer will be what? Option E. All are correct. And the question number four. Under the Industrial Relations Code Bill 2020, threshold for the requirement of standing order has been raised to over how many workers? And I hope guys आपको standing order का मतलब clear है. Standing order is basically an order which contains the terms and conditions of the working of a labor. Right? सो स्टैंडिंग ऑर्डर कितना कर दिया गया है, कितने वर्कर्स तक होना हो, कितने वर्कर्स के बाद लाना पड़ेगा. सो मिनिमम 300 वर्कर्स या उससे ज्यादा होंगे तभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए. ओके. सो दीज आर सम क्वेश्चंस गाइस बेस्ड ऑन द लेबर कोड्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच टॉक अबाउट द कृतज्ञ हैकाथॉन. वन सेकेंड. यस, कृतज्ञ हैकाथॉन की बात कर लेते हैं. और जो क्वेश्चन नंबर फाइव था पीछे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इट इज बेस्ड ऑन द कृतज्ञ हैकाथॉन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट. सो व्हाट इज दिस कृतज्ञ हैकाथॉन? वाज अनाउंस्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च गाइज इन 2017. सो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ICAR ने कृतज्ञ हैकाथॉन अनाउंस किया है. एंड इसमें जो कृतज्ञ है, क्री स्टैंड्स फॉर कृषि मींस एग्रीकल्चर, ता स्टैंड्स फॉर तकनीक विच मींस टेक्नोलॉजी, एंड ज्ञा स्टैंड्स फॉर ज्ञान विच मींस नॉलेज. ओके. एंड ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका क्या रीजन है? सो टू प्रमोट इनोवेशन इन फार्म मैकेनाइजेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स. जो भी फार्म इक्विपमेंट्स हो वो वुमेन फ्रेंडली हो, इस पे एम्फेसिस देते हुए जो फार्म मैकेनाइजेशन है उसके अंदर इनोवेशन को प्रमोट करते हुए इस हैकाथॉन को लॉन्च किया गया था. And what are the key points? So students, faculties and innovators from any university can apply in the group, or jo group hoga that they in the group maximum 4 participants can be there.
और इसमें जो प्राइजेस है, फर्स्ट प्राइज इज 5 लाख रुपीज, सेकेंड प्राइज 3 लाख, एंड थर्ड प्राइज इट इज 1 लाख रुपीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइज रिस्पेक्टिवली। ओके, सो ये कुछ की पॉइंट्स अबाउट द हैकाथॉन। इसमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि एक ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। ओके, बट मोर इंपॉर्टेंट इज 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सो इट विल एनहांस द फार्म प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज अगर उसमें के अंदर जो फार्म मैकेनाइजेशन के प्रोसेस है उसके अंदर अगर यू नो इनोवेशन आएगा, देन ऑफकोर्स जो प्रोडक्टिविटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है दोनों बढ़ेंगी। इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टेक होल्डर्स टू शोकेस देयर इनोवेटिव अप्रोचेस, एंड इट विल हेल्प इन टेकिंग फॉरवर्ड द विजन ऑफ द हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन एज एनश्राइंड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। ओके, सो दीज आर सम बेनिफिट्स। Now let's talk about the NAHEP, National Agricultural Higher Education Project. So it was launched in 2017-18 by Indian Council of Agricultural Research for a period of 5 years. Isme jo total cost hai, that is $165 million on a 50-50 sharing basis between the World Bank and the Central Government of India. Okay, remember this. This is very important. Ye jo project hai, that is supported by World Bank. Next, it aims to develop resources and mechanism for supporting infrastructure. बेसिकली इसका एम क्या था, रिसोर्सेज डेवलप करना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ द एग्रीकल्चरल एजुकेशन उसको डेवलप करना, फैकल्टी एंड स्टूडेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एंड टू ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। हमारे देश की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनकी कुछ खास हालत नहीं है, तो उन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने के लिए, उन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंदर की जो क्वालिटी है, उस एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करने के लिए दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द ईयर 2017। ओके, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैकेथॉन वाज लॉन्च्ड बाय ICAR टू प्रमोट इनोवेशन इन फार्म मैकेनाइजेशन। सो गाइस, द नेम ऑफ द हैकेथॉन इज व्हाट, कृतज्ञ। ऑप्शन सी कृतज्ञ विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, एंड नाउ गाइज लेट्स मूव ऑन टू द क्विज। अब क्विज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो देर आर 5 questions विदाउट ऑप्शंस, ठीक है, बिना ऑप्शंस के है ये, एंड आपको सभी का आंसर देना है, एंड आई होप आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। एंड गाइज आई होप द वॉइस इज क्लियर, यस। सो दीज आर द 5 questions, सो आई विल फर्स्ट रीड आउट ऑल द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन फिर आई विल टेल यू द आंसर। So where will the 2 light water reactors be set up with the coordination of Russian Federation? So अभी हमने सुना था कि 10 reactors जो हैं वो इंडिया में आने वाले हैं, इनफैक्ट 12, जिसमें से जो 10 हैं वो हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे और जो 2 होंगे वो लाइट वाटर रिएक्टर्स होंगे। सो हमें बताना है कि ये जो 2 light water reactors हैं कहाँ पे बनाए जाएंगे। Which 2 initiative was launched by the during the G20 Environment Ministerial meeting? Which country is the largest producer of steel in the world? Which 2 states are the top performers in the category X states in ranking of states on support to startup ecosystem? And as per the NSO report on education, how many percent of the households have the internet access? All right. So guys, these are the 5 questions. Now let me tell you the answers. So first of all, where will the 2 light water reactors be set up? So it will be set up in Kudankulam, which is in Tamil Nadu. Alright, which is in Tamil Nadu. And guys, Tamil Nadu jo tha, that was number 1 in providing loans to Mudra beneficiaries. In fact, to women Mudra beneficiaries. Sabse zyada Mudra Yojana ke antargat Tamil Nadu ne women ko loan provide karaya hai. And Tamil Nadu was number 1. Tamil Nadu ko World Bank ne $250 million ka loan diya tha for the Tamil Nadu affordable housing projects. Okay. Which 2 initiatives were launched during the G20 Environment Ministerial meeting? So, one was for land degradation. Alright, one was for land degradation. Okay, and other was for coral reefs. Yes, other was coral reef program. So, these are the 2 initiatives that were launched by the during the G20 Environment Ministerial meeting, right? Which country is the largest producer of the steel in the world? So, ये हमने पढ़ा था जब Steel Ministry ने reply submit किया था, तो at that time we have discussed that China is the largest producer, followed by India number 2 and Japan number 3. So, these are the top 3 countries in the production of steel in the world.
Which two states are the top performers in the category X states in ranking of states on support to startup ecosystem? So the two states were Kerala and Karnataka. Kerala and Karnataka, and the best performer was Gujarat. Gujarat in category X state, while in category Y it was Andaman and Nicobar Islands. Okay. And as per the NSO report on education, how many percent of the households have the internet access? This report, guys, is very important. And the correct answer to this question is what? 24%. All right. 24% ke paas hi keval internet access hai hamare desh mein. So I hope aap sabko ye quiz clear hai and aap sabhi ke bahut acche number hai. And jo bhi aapke number hai, wo aap comment karke zarur bataye in the comment section. So that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe to our channel and press the bell icon. आपको ये session कैसा लग रहा है? Comment करके जरूर बताना और अपने मार्क्स भी जरूर comment करना. Thank you so much for watching. मिलते हैं next session में. Goodbye, take care and God bless.